सामाजिक न्याय विभाग ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में वृद्धजनों और दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए हैं। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी समेत हरिद्वार से लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस दौरान हरिद्वार सांसद नरेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भारत सरकार की एडीप योजना के अंतर्गत 6 महीने में जिन बुजुर्गों और दिव्यांगजनों का चयन किया गया है, आज उनको सहायक उपकरण वितरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत कई लाभार्थियों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को भी प्रोत्साहित किया गया है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। मैं भारत सरकार के मंत्रालय का जो गरीब कल्याण का ये मंत्रालय है, आधिकारिकता मंत्रालय, इसका मैं बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दिव्यांगों के लिए जिस तरीके से घर घर जाकर के सर्वे किया और आज मेरे इस ब्लॉक में, नारसन ब्लॉक में लगभग 218 उपकरणों को बांटा है, लाखों लाखों 45 लाख से भी अधिक के उपकरण दिए हैं। आपने देखा कि कितने भावुक हो गए थे यहाँ पर मेरे दिव्यांगजन। तो आज यहाँ पर जहाँ दिव्यांगों के लिए उनकी तमाम प्रकार की उपलब्धता की